मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे। आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋषिमुख और मल्याद्री नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने चार मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अविष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता।